तारीख फिक्स हो गई, घोड़ा तैयार है, घोड़ी जो होती है बारात तैयार है, लेकिन सब सूट बहुत पहले गए, दूल्हा भाग गया। क्या लगता है ये जो नाम चल रहे हैं, लीक हो रहे हैं नाम, मैं चलना देखो लीक क्यों ना कहूंगा, ये जो नाम लीक हो रहे हैं जी, कितनी सच्चाई लगती है इनमें, कितनी सच्चाई हो सकती है? कुछ हद तक इस लीकेज का बीजेपी फायदा लेगी या नुकसान हो सकता है इसका? किसी का सूत्र तो प्रथला में नैनपाल को दे रहा है, किसी का टेकचंद को दे रहा है, किसी का दीपक दागर को दे रहा है, किसी का काले को दे रहा है, किसी का दयाले को दे रहा है, वो जिसके जो मर्जी आए वो दे रहा है। नायब सिंह सैनी के लिए लाडवा की सीट का नाम चल रहा है जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? देखिए ये हड़बड़ाहट को तो दर्शाता है। मैसेज क्या है इसका? ऐसे तो गलत ही जाता है, वो हमारे दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर दमखम हो सैनी साहब करनाल से चुनाव लड़कर दिखाए। मोहनलाल बड़ौली का बयान आ गया है जी कि चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में चुनाव है, चुनाव का मतलब चुनाव, और चुनाव के अंदर सारी बातें चुनावी। मैं भी लगातार आपसे चुनावी मसलों पर, चुनावी मुद्दों पर आपसे लगातार बातचीत में हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा में हूँ और वो मुद्दा है कल भारतीय जनता पार्टी की CEC की बैठक हुई। बड़ा इंतजार था उसका, बैठक का। वो बैठक हुई और उस बैठक के बाद में तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाम चले, लेकिन भाजपा की लिस्ट नहीं आई। भाजपा की सूची क्यों नहीं आई, क्या कारण रहा, इन सब कुछ विषयों को लेकर के मैं चर्चा में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। आप लगातार परिचित हैं, सुरजेवाला जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और इसके साथ साथ पंचायत विकास विभाग से सेवानिवृत्त ज्वाइंट डायरेक्टर थे। सुरजेवाला जी स्वागत है आपका। कल शुभ मुहूर्त था, एकादशी थी कल जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग खासकर देखते हैं नक्षत्र, ग्रह, पर्व, त्योहार, जी हाँ, सब कुछ गिनते हैं। बिल्कुल, बड़ी चर्चा थी कि कल एक लिस्ट आ जाएगी। जी हाँ, एक पुरानी कहावत है जी, कि सारी रात रोए एक मरा, कहेंगे कैसी कहावत बता रहा हूँ मैं रात भर रोए एक मरा, सुबह उठ के वो भी भाग गया, वो भी चल दिया कई दिन का मंथन चल रहा था लगातार, और कैंडिडेट को इंतजार था, टिकट 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 ही रह गई बस। क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये चर्चा तो उम्मीदवारों में तो थी थी, आम पब्लिक में भी इस बात का बड़ी इंतजार भी थी, लोग टकटकी लगा के देख रहे थे कि चलो एक सूची आए और उसके बाद चुनाव का, क्योंकि जब तक टिकट का फैसला नहीं होता है चुनाव का शुभारंभ नहीं मानते। दो चीज होती है, चेहरा और मोहरा जी। मोहरा तो हो गई खुद पार्टियां जी, चेहरा हो गया कैंडिडेट जी, तो जब तक चेहरा सामने ना आए तब तक क्या चुनाव में रंगत ही नहीं आती। ये बिल्कुल सही है, तो लोगों को बड़ी इस बात की उम्मीद थी कि भी आए, बट ऐसा हुआ कि भी कोई जैसे किसी की कहे कि भी शादी होनी है और वो शादी की फिर वो हो ना पाए, तारीख तो फिक्स हो गई, हाँ, घोड़ा तैयार है, घोड़ी जो होती है सारा सब बारात तैयार है, लेकिन सब सूट बहुत पहले गए, दूल्हा भाग गया। हाँ यही कहे, दूल्हा आया नहीं, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है बजाय कुछ और कहे, दूल्हा वाला कह दे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, दूल्हा आया ही नहीं, भागा तो नहीं, आया ही नहीं, दूल्हा आया ही नहीं। तो ये तो हुआ है कुछ कल, या दूल्हे के मोर उनके सहरे वो तैयार नहीं थे या दूल्हे ही तैयार नहीं थे? दूल्हा को ही कुछ संशय था ऐसा लगता है, तो जिस वजह से ये। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पार्टी ने कोई विधिवत तो घोषणा की नहीं जी, हो सकता है कि वो किसी मसले पे अटक गया हो या वो एक मैसेज देना चाहते हो, कई बार ऐसा है कि वो जानबूझ के लीक कर दें। हाँ, एक सूची आ तो रही है जो बाजार में घूम रही है कि उसे रिएक्शन एक्शन रिएक्शन देखने के लिए। सूची सुरजेवाला साहब जी, मैं आपको उदाहरण दे दूं जी, जो सूचियां लीक हो रही हैं हाँ, वो हमारे जैसे तमाम लोग जो दिखा रहे हैं जी अपने सूत्र से जी जी जी, ठीक है हमारे भी सूत्र होते हैं हाँ, हाँ। पर किसी का सूत्र तो प्रथला में नैनपाल को दे रहा है, किसी का टेकचंद को दे रहा है, किसी का दीपक डागर को दे रहा है, किसी का काले को दे रहा है, किसी का दयाले को दे रहा है, वो जिसके जो मर्जी आए वो दे रहा है, वो जिससे जुड़ा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा, आजकल ये जो यूट्यूब के जो हमारे पत्रकार साथी हैं
इन्होंने भी अपनी एक इक्वेशन बनाई हुई है जी, और जी, उसके बिना पे वो चलते हैं जब, तो वो उसी को उभारते हैं अपने उसको जिसके साथ वो उनका जुड़ाव या लगाव है, तो वो उसी का नाम उछाले जा रहे हैं। पर बाद में कहते कि टिकट तो इन्हीं की फाइनल ही थी, हाँ, लास्ट में वो कट गई, वो कट गई, वो अमित शाह से उन्होंने सीधा संपर्क कर लिया। हाँ, मतलब होता ये है, चलो एक संभावित सूची दे दें हम जी। अब वो क्या कहते हैं कि 55 नाम तय हो गए जी, ये तय हो गया, और इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं सुरजेवाला जी जी, इतना कॉन्फिडेंस तो कैंडिडेट को भी नहीं होता जितना वो पत्रकार को कॉन्फिडेंस होता है। वो भी उसी को पढ़ के ही पता चलता है मेरे को टिकट, वो पता लगता है उसको मेरी टिकट हो रही है भैया शायद, हाँ मेरी बात बन रही है, ठीक है ऐसा है। चलिए एक तो हो गया अनुमानित जी, भाई कोई बैठक नहीं हुई और अनुमान लगाया कि ये चेहरा वहाँ मजबूत नजर आ रहा है। बैठक हुई है नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक, जो हम लोग जो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हैं, चाहे वो मेनस्ट्रीम मीडिया के हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं, जो भी लोग हैं, एक तो उन्होंने अपना एक आइडिया दिया, अनुमान दिया कि ये चार आदमी है, इन चार में से ये मजबूत नजर आ रहा है मुझे जी, इसकी टिकट हो सकती है, हो सकती है। एक तो वो हुआ आइडिया वो, और दूसरा हुआ कि सीसी की बैठक हुई है, 55 नाम तय हो गए हैं, सुरजेवाला जी का टिकट फिक्स तय हो गया। बिल्कुल, शुक्र ये है कि ये उम्मीदवार तय कह रहे हैं, वरना ये तो विधायक भी तय कर देंगे। मतलब ये भी कह सकते हैं कि क्या मतलब है कि भावी विधायक, ये भावी विधायक तय हो गया भाई, उम्मीदवार ही नहीं भावी विधायक भी कह रहे हैं, मैं संकोच नहीं कर रहे हमारे ये भाई। चलिए, मोहनलाल बड़ौली का बयान आ गया है जी कि चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ जी, विधिवत बयान तो उनका भी नहीं है अभी भी, हाँ, लेकिन ये बड़ी चर्चाएं हैं कि मोहनलाल बड़ौली की चुनाव को ना इनकारी के लिए। ये बात पहले भी थी कि मोहनलाल बड़ौली चुनाव लड़वाएंगे, लड़ेंगे नहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं। नायब सिंह सैनी के लिए लाडवा की सीट का नाम चल रहा है जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? देखिए ये हड़बड़ाहट को तो दर्शाता है, ये जो सीट बदलना, और वैसे तो 2014 में भी हालांकि मनोहर लाल जी जो थे रोहतक से बिलोंग करते थे जी, उनका कार्य क्षेत्र, उनका गृह क्षेत्र, और वो मानते भी थे मेरे दो गांव हैं रोहतक में, एक जहां वो आबाद हुए, दूसरे गांव में जहां उनको जमीन अलाट हुई, लेकिन फिर भी हाईकमान ने ये देखा कि इनको सेफ सीट से चुनाव लड़ाया जाए, उनके मन में था कि इनको आगे कमान इनको सौंपनी है, तो सेफ सीट हरियाणा में करनाल और पानीपत को हमेशा। फरीदाबाद में भी चर्चा हुई थी उस समय, नहीं चर्चा में तो कई आ जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सेफ सीट आज तक हरियाणा का इतिहास जो कहता है, मंगल सेन जी के टाइम में रोहतक भी थी लेकिन अब नहीं है, करनाल और पानीपत, ये दो सीट विधानसभा की बीजेपी के पॉइंट ऑफ एंगल से ये देखा जाए तो वो उनको ज़्यादा सेफ मानते हैं, तो इसलिए उनको करनाल भेज दिया गया। तो मनोहर लाल जी के बाद अब नायब सैनी जी ने करनाल से चुनाव तो लड़ा, उपचुनाव जी, लेकिन शायद उनको ये आभास हुआ कि आगे उनके लिए कठिनाई नजर आ रही है, और उन्होंने लाडवा को प्रेफर किया है। मैसेज क्या है इसका? मैसेज तो गलत ही जाता है, वो हमारे दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर दमखम हो सैनी साहब करनाल से चुनाव लड़कर दिखाएं, ये नहीं कहा लड़ना चाहिए। क्या लगता है ये जो नाम चल रहे हैं, लीक हो रहे हैं नाम, मैं चलना देखो लीक क्यों ना कहूँगा, हाँ हाँ, ये जो नाम लीक हो रहे हैं जी, कितनी सच्चाई लगती है इनमें, कितनी सच्चाई हो सकती है? कुछ हद तक लोगों के है, और ये भी हो सकता है कि पार्टी ने यही नाम जो लीक हो गए हो यही तय किए हो अभी तक, ये जानने के लिए भी जनता से क्या रिएक्शन। देखिए ये बात तो तय है कि इस वक्त बीजेपी कदम फूंक फूंक के रख रही है, बिल्कुल उसको इस बात का आभास हो रहा है कि इतनी डगर, इतनी इतनी आसान नहीं है, हाँ, पनघट की डगर बहुत कठिन है, डगर पनघट की, मतलब इनका कहना है कि बहुत कठिन है डगर चंडीगढ़ की जी, हाँ जी, तो वो कदम हर लिहाज से फूंक फूंक के रख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये हो तो क्या हो, ये हो तो क्या हो, हो सकता है उन्होंने, और फिर ये तो मशहूर भी हो चुकी है भाजपा, पेपर लीक, आपकी टिकटें लीक, तो इससे वो तो चल ही रहा है। सुरजेवाला जी, तीन चार मेन बातें रही जी, ये सारा जो सिनेरियो चल रहा है, टिकट वितरण की, इनकी छोटी टोली, बड़ी टोली, फिर बड़ी टोली, फिर उससे छोटी टोली, फिर सी, ये सब चल रहा है जो जी, हाँ जी,
मनोहर लाल की कितनी चल रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, मनोहर लाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, पार्टी उनको तरजीह तो दिए हुए है। ये हो सकता है कि उनको फील्ड में शायद इतनी तरजीह ना मिले, क्योंकि हरियाणा में एक चीज़ मैं अब ये टिकटों के बारे में ही चल रही है तो ये बात कहना चाहूँगा। अक्सर ये आ रहा है कि बीजेपी में कि भी फला जो विधायक है जो सीटिंग हुआ तो ये करता कि सीटिंग विधायक को जो है वो प्रेफरेंस मिलती रही है, हमेशा मिलती है, मिलती है। इस बार ये हो रहा है बीजेपी में जो सीटिंग है वो कहते हैं ना उनको बलि का बकरा बना दो, उनके मत्थे बंट दो कि ये जो माहौल हो रहा है कुछ पार्टी के सरकार के खिलाफ ये उनके कंधे पर डाल दो, जबकि वो दोषी नहीं है। मैं मानता उनको दोस्तों सारा सरकार का रहा है जी, उनकी तो चली ही नहीं, विधायक तो ये कहते हैं। अगर विधायकों की चलते तो शायद ये इतने बुरा दिन ना देखने को मिलता। तो अब वो उनको बलि का बकरा बना के उनको विधायकों को निपटा जी। एंटी इनकम्बेंसी मैं समझता हूँ, जहाँ तक आप भी बहुत बड़े जानकार हैं राजनीति के, बहुत पुराने हैं और सब कुछ बड़े पास से देखा आपने जी, मुझे लगता है तीन तरह की एंटी इनकम्बेंसी होती है जी। एक सरकार से एंटी इनकम्बेंसी जी, सरकार का मतलब हो गया मुख्यमंत्री मंत्री जो पॉलिसी है जो आप जनता जिससे हाँ जी वो जुड़ी हुआ है। एक होगी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी जी, और एक होगी चेहरे की एंटी इनकम्बेंसी, जो विधायक हैं उनकी, जो उम्मीदवार है जी जी। आपको क्या लग रहा है, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी यानी कि पार्टी की, या चेहरों की एंटी इनकम्बेंसी यानी कि विधायकों की? सबसे ज्यादा तो सरकार के खिलाफ है, सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ लोग, चाहे आप किसी मामले में उठा के देखिए, शहर का हो, गांव का हो, देहात का हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, या आपके दुकानदार हो, किसान हो, वो सारे इसे त्रस्त हैं। सरकार का चेहरा बदल दिया बीजेपी ने, बदल दिया, लेकिन मुख्यमंत्री बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन कब? 10 साल में से आपने पूरे 10.5 साल तो रखा, अब आखिरी 4 महीनों के अंदर क्या कुछ भी नहीं हो पाया। मुझे ध्यान आता है 1987 में चुनाव था जी, बिल्कुल 1987 का चुनाव था, आप सही पहुंचे। चौधरी भजनलाल पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चुनाव आया तो चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। 1986 में उनको बना के भेजा, इसी वजह से भेजा था कि उनके बारे में इसी माहौल जो था वो काफी उनके विरुद्ध था। मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ना? हाँ, नहीं पड़ा। उनके समय में पार्टी की ये हालत हो गई थी, वो जलसे जुलूस गांव में रैली या पब्लिक मीटिंग करने से भी कतरा रहे थे, चौधरी भजनलाल थे जब, हाँ उनके टाइम में हो नहीं रही थी, मगर बंसीलाल जी के आने के बाद माहौल इतना फर्क जरूर पड़ा कि उन्होंने गांव देहात में जाना शुरू कर दिया और पब्लिक मीटिंगें भी की, चाहे वो जींद में हुई, गड़बड़ हुई थी जींद में भी, कलायत में भी, आगजनी भी हुई थी कलायत में, लेकिन मीटिंग उन्होंने की, वो लोगों में जाने के लायक तो हो गए थे जी। मतलब ऐसा यहाँ भी कुछ हो गया? अब भी थोड़ा सा ये हुआ कि लोग ये कहते हैं कि भी मनोहर लाल जी का जो गुरूर था वो लोगों से मिलते नहीं थे, अब नायब सैनी है, उन्होंने अपना जो दरबार है उसके दरवाजे खोल रखे हैं, कहते हैं जो जाता है उनसे मिल लेते हैं। सुरजेवाला जी, क्वेश्चन इलेक्शन जुड़ा नहीं, पर वैसे मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये भी मेरी क्यूरियोसिटी है, लोगों की भी जरूर होती होगी जी, कौन सा नेता ज्यादा अच्छा है, जो अपने घर के बाहर लाइन लगा खड़ा हुआ है और या फिर सर्विस डिलीवर हो रही है? देखिए, सर्विस डिलीवर वाला ही ज्यादा बेटर है। अब बंसीलाल जी के बारे में सिर्फ अच्छा यही था कि वो जो था वो लोगों के काम होते थे और पब्लिक उससे एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा था और उसी को सुशासन कहते हैं। अभी आपने कहा कि मनोहर लाल के बारे में ये बात थी, उनमें गरूर है, लोगों से मिलते नहीं जी, और अभी आपने साथ ही आपने जोड़ा कि नायब सिंह सैनी के यहाँ दरबार लगते हैं, लोग कह रहे हैं दरबारी नेता, दरबारी शासक चाहिए या डिलीवरी सर्विस डिलीवरी वाले? देखिए, दोनों चीज चाहिए। प्रताप सिंह कैरोर थे यहाँ, वो जनता में भी उनकी वो थी और एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और डिप्लोमेट भी थे और शासन में भी पकड़ थी उनकी। बंसी लाल जी थे, ठीक है उनका शासन में बहुत जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन वो जनता से ज्यादा नहीं जुड़ाव था। तो ये तो हर आदमी की वर्किंग अपनी अपनी अलग अलग है उस हिसाब से, लेकिन सैनी साहब के बारे में तो लोगों में एक जो आम चर्चा है ना,
वो तो यही कहते हैं, ये तो हरियाणा का जो पंजाब के वो थे ना हमारे चन्नी जी, ये तो उनका तो वही विपक्ष के लोग कहते हैं, वो तो विपक्ष नहीं, ये आम जनता, आम जनता कोई मतलब नहीं, नहीं आम जनता में ये इस बात की चर्चा, आम जनता तो नहीं सर, आम जनता आपको मिलेगी नहीं, विपक्ष के लोग कहते जरूर होंगे, विपक्ष ने तो खैर कहता ही रहा, विपक्ष का तो काम है मुद्दे जड़ना मुद्दे बनाना, विपक्ष की ड्यूटी काम है वो करते हैं, विपक्ष का तो रोल भी यही है, वो कभी आम आदमी को कोई मतलब नहीं, मुझे लगता नहीं कि आम आदमी ने कहीं कहा हो कि भाई ये हरियाणा के चन्नी, विपक्षी नेताओं के बयान तो मैं समझता होंगे बिल्कुल, वो आम जनता में है इस बात की चर्चा, लोग तो ये तो कह ही रहे हैं कि भी ये तो जैसे कहते हैं डम्मी है फला है, अब आपके पत्रकार महोदय ही लिखते रहते हैं, सब किसी की कलम पे तो कोई पकड़ है ही नहीं, वो अलग बात है, सबका अपने स्वार्थ है, सबके अपने जुड़ाव है, सबकी अपनी सोच है। अच्छा जो ये बीजेपी की जो वापसी उसी के सवाल पे आ रहा हूँ, जो टिकटों पर जो बीजेपी की जो लिस्ट वाली बात चल रही है जी, आज सुबह मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मनोहर लाल जी के दरवाजे पर भारी भीड़ थी लोगों की जी, पलवल के भी लोग थे, हथीन के भी थे, प्रथला के भी थे, होडल के भी थे, गन्नौर के भी थे, सोनीपत के भी थे, जींद के भी थे, उचाना के भी थे, ये लोग मुझे मतलब मेरा आदमी वहाँ मुझे बता रहे थे कितने लोग हैं वहाँ पर जी, अंदर पार्टी की बैठक चल रही थी, हाँ धर्मेंद्र प्रधान थे और बाकी तमाम जो मुख्यमंत्री भी थे, बड़ौली भी थे, कृष्ण पाल गुर्जर भी थे, ये तमाम अंदर मीटिंग चल रही थी, ये जो सब लोग जा रहे थे जी, क्या उनको लगता है कि भाई टिकटें अनाउंस नहीं हुई हैं, ये गड़बड़ हो गई है, या इस वजह से, या फिर अपनी पैरवी करने दोबारा चले जाएं, क्या लगता है आपको किस लिए जा रहे होंगे लोग? दबाव प्रेशर की टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हैं ये लोग, प्रेशर पॉलिटिक्स। हाँ आप देखिए पिछले चुनाव में ये 2019 में पहले आम चर्चा थी कि फला 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 की टिकट कटेगी, हमारे यहाँ बल्लभगढ़ से जो विधायक हैं जो मंत्री हैं उनकी टिकट के ऊपर बादल मंडरा रहे थे और टिकट कट रही थी, एन मौके के ऊपर कुछ बदलाव हुए, कुछ राजीनामा हुआ, कुछ सुलह हुई तो टिकट मिल गया, अब की बार तो शायद बादल बरस रहे हैं इनके ऊपर, हो सकता है, चर्चा है। अब जैसे मैंने बताया आपको, अब देखिए कश्मीर की लिस्ट जारी हुई, ये तो हमारे तो हरियाणा की तो लिस्ट जारी नहीं हुई, लीक हुई है, कश्मीर की तो लिस्ट जारी होगी, ये लीक भी नहीं है, ये तो लीक वो थी, एक आप ध्यान करें सुरजेवाला साहब, लोकसभा चुनाव था अभी 24 वाला जी, कांग्रेस की एक लिस्ट आई जी, उसके बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि हमारी कोई लिस्ट ही नहीं है, जबकि उस पर नीचे केसी वेणुगोपाल के साइन थे, साइन भी कई बार आजकल तो आप डिजिटल, चलिए मैंने मान लिया उठा के कर, वो तो लिस्ट थी, उस पर लिखा था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कैंडिडेट्स के नाम थे, देखिए नीचे इस लिस्ट को भी अभी दो मिनट में पढ़ जाएगी जो ये चल रही है, ये हाँ। ये लिस्ट नहीं, चलो बन भी जाए, बन जाए, इस पर कहीं भाजपा नहीं लिखा हुआ, कहीं कोई साइन नहीं है, ये तो आपकी बात, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी हाँ। सोच से टिकटें बांट रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि जैसे अब मान लिया कि जो सीसी में बैठे थे या कोई लोग थे, मेरा संपर्क किसी से हुआ, किसी ने कोई आपकी बात, अनिल विजय वर्गे जो है उन्होंने कुछ बोल दिया, बार 55 के 55 जीतने वाले हैं, करता हूँ लिस्ट लीक नहीं हुई लेकिन बात तो लीक, बात लीक हुई, बात लीक हुई, हाँ जी, तो इस लीकेज का बीजेपी फायदा लेगी या नुकसान हो सकता है इसका? देखिए नुकसान तो पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि पार्टी आज तक ये कहती है हम अपना कैंडिडेट नहीं बदलते, अब कश्मीर में बदला है तो उसके बारे में चर्चा है, अब यहाँ भी आप देखिए, अब आप पलवल का ही किस्सा बताता हूँ आपको, इसका पलवल में जो टिकट दी है वहाँ बड़ा विरोध हो रहा है, दी नहीं मतलब जिसका नाम की एक चर्चा हुई, कोई विरोध नहीं है, वो कैंडिडेट जा रहे हैं बस सिर्फ, नहीं नहीं एक चर्चा हुई है हाँ। पलवल शहर में कि वहाँ फला आदमी को टिकट मिल रही है या मिलने जा रही है या फाइनल हो गया है, तो उसके बारे में शहर में काफी चर्चा, सभी जगह वो तो हथीन में भी है, होडल में भी है, लेकिन मैं, आपने नाम लिया पलवल का, मैंने नाम लिया पलवल का, और वहाँ पे जो पार्टी के लोग हैं, आपने कहा ना फायदा नुकसान, केवल पार्टी के जो लोग हैं वही ये कह रहे हैं कि जी ये गलत है और इसका पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसे चाहे आप प्रथला की बात कर लो, वहाँ के लोगों में भी ये काम चर्चा है, तो ये पार्टी को अगर इस तरह के कैंडिडेट को उतारा जा रहा है तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान है। सुरजेवाला जी हो सकता है कि इस चर्चा के बाद जो वहाँ कोई बात चली हो, ये नाम आए हो सकता है ये नाम उन्होंने फाइनल करने जा रहे हो, तो इनमें बदलाव कर देंगे, बदलाव हो जाए,
बदलाव चेहरे बदल जाए यानी कि हाँ, हो सकता है बदलाव तो हो जाता है। सुरजन जी आखिरी सवाल एक इसी टिकटॉक एक बार पहले भी हुआ है कौन सा 1977 में हरियाणा में कई टिकटें हुई फाइनल लोकसभा की जनता पार्टी की तरफ से हिसार निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा वहाँ पे मणिराम बागड़ी को टिकट हो गया। जो कांग्रेस संगठन थी कांग्रेस ओ चूंकि जनता पार्टी पांच दलों से मिलकर बनी थी कांग्रेस ओ लोकदल भारतीय जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस जे भी थी शायद कांग्रेस जे बाद में शामिल होती है तो वो पांच दलों से मिलकर जनता पार्टी बनी थी तो उसमें टिकट जो हिसार की वो मणिराम बागड़ी को हुआ लेकिन कांग्रेस ओ के जो लोग थे खासकर पंडित भगवत दयाल जो जिनको करनाल से चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे हम बाइकाट करेंगे ये सीट हमें मिलनी चाहिए। अनाउंस हो चुकी थी सारी सीट हो गई थी तो चरण सिंह ने ये कहा कि एक ही सीट का झगड़ा है ना हम इसको बदल देते हैं तो मणिराम बागड़ी को मथुरा से चुनाव लड़ाया था वो फिर सीट चौधरी इंदर सिंह शौकत को कांग्रेस ओ से जो थे उनको दे दी मतलब बहुत बदली गई टिकटें तो कई बार बदली जाती हैं। 87 में हथीन में पहले चौधरी हर्ष कुमार को सिंबल मिला था टिकट मिली थी बाद में भगवान सिंह रावत को हुई। 1982 में जनता पार्टी का टिकट पहले सुभाष कत्याल को मिला था उसके बाद में वो राजेंद्र मलिक को हुआ उदय भान को भी तो हुआ था बहुत सारे ऐसे केस हैं तो। ये फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा जी बहुत सारे 2000 में इनको टिकट मिली फिर बाद में इनकी टिकट कटी और फिर ये कामयाब हो गए आजाद चुनाव लड़ा बहुत सारे केस ऐसे तो हैं हाँ होता है। एक आखिरी सवाल पे आता हूँ ये टिकटों के मसले को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि वो सर्वे करा रही हैं सर्वे के आधार पर टिकट देंगी जी आपको क्या लगता है सुरजेवाला जी ये सर्वे कितने फेयर होते हैं और क्या सर्वे पर टिकटें पार्टी दिया भी करती हैं या केवल लोगों को बताने के लिए कि सर्वे करा रहे हैं सर्वे के आधार पर देंगे। ये तो कुछ हद तक एक भ्रम पैदा करते हैं और टिकटें तो इनको सब पता होता है अपने अपने एंगल से अपने नेताओं से और अपने नजरिए से टिकटें दी जाती है सर्वे वर्वे क्या ये सिर्फ भ्रम है ये भ्रम जाल में फंसा देते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि टिकटॉक क्राइटेरिया क्या है कि ये तो मेरा नेता नजदीक है जी इसको मैं दे दूंगा जी इससे मेरा ये स्वार्थ है इसको मैं इसलिए दे दूं आका है ये मेरे आका है इसलिए इनको दे दूं ये मेरा चेला है इसको इसलिए दे दूं यही सब कुछ चलता होगा चलता रहता है पहले भी चला है ये तो चलता ही रहता है ये अडवाणी ग्रुप में है ये वाजपेयी ग्रुप के है ये मनोहर लाल जी इनकी सिफारिश कर रहे हैं ये बड़ोली जी कर रहे हैं ये तो चलता रहता है ऐसे कांग्रेस में है। तो भाजपा के लोग कब तक उम्मीद करें टिकट का आपको क्या लगता है। जैसा सुनने में आ रहा है कि वो 2 दिन तो इन्होंने के बाद ही कहा है कम से कम 2-3 दिन के बाद ही कहा आ रहा है उसके बाद देखते हैं। तो यानी कि टिकट की टकटकी लगाई रखें जी और जो सांसें जो हैं अपनी रोक करके रखें अब वो अटके हैं जो सांसें आप रोक करके रखें जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम लिस्टें चल रही हैं सुरजेवाला जी भी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी कह रहे थे कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है जो चल रहा है सबकी अपनी अपनी सोच है सबके अपने अपने आइडियाज हैं और आइडियाज के हिसाब से सब अपनी बात कह रहे हैं जी। ये टिकट की टकटकी है और ये तब तक लगी रहेगी जब तक टिकटें अनाउंस नहीं हो जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन नेता खासकर आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित रखते हो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी से कौन नेता सक्षम है किसको टिकट मिलना चाहिए और कांग्रेस से कौन नेता सक्षम है कौन कैंडिडेट हो सकता है या फिर अदर पार्टीज में कौन सा चेहरा ज़्यादा प्रभावशाली है। इसी प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम लगातार आपके बीच आते रहते हैं आगे भी आपसे मिलते रहेंगे लगातार हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना।